तो मूवी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो एक महल में चोरी करने के लिए आई थी, लेकिन इस दौरान उसे वहां का पहरेदार देख लेता है। उनसे बचते हुए वो किसी तरह से बाहर निकलती है, लेकिन पैर फिसलने की वजह से वो सीधा एक लकड़ी की गाड़ी में जा गिरती है और इस दौरान उसके हाथों में रखा हुआ खजाना भी वही गाड़ी में ही गिर जाता है और इसके बाद वो गाड़ी वाला उस गाड़ी को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हम रेगिस्तान में बसे एक छोटे से घर को देखते हैं, जहाँ पे टीकू नाम के एक लड़के को देख पाते हैं जो अपने पिता की तस्वीर से ही बातें कर रहा था। वो अपने पिता से कह रहा था कि उन्होंने उनके 3 भाइयों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा और इसी कारण वो अपनी जिंदगी को बहुत गरीबी में बिता रहे हैं। लेकिन टीकू अपने फादर की तस्वीर को बताता है कि उसका भाई गिब्रान उनके पास बची हुई कुछ लकड़ियों को बेचने के लिए बाजार गया है और जो भी पैसे उन लकड़ियों के बदले उन्हें मिलेंगे उनसे वो किसी दूसरे गाँव में एक दूसरा घर लेंगे, जिसके बाद वो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए वहीं चले जाएंगे। इसके बाद हम टीकू के छोटे भाई बलवान को देखते हैं जो उसी घर की तरफ बड़े एंजॉय करते हुए और गाना गाते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी उन दोनों का एक और भाई गिब्रान भी वहाँ लकड़ी बेचकर आ जाता है। टीकू उससे पूछता है कि उसने जो लकड़ियाँ बेची उसके वो सारे पैसे दे दे ताकि वो उन पैसों की मदद से एक नया घर खरीद सके, लेकिन गिब्रान उसे बताता है कि रास्ते में उसकी मुलाकात एक चोर से हो गई जिस चोर ने उसके सारे पैसे चुरा लिए। ये जानने के बाद टीकू बहुत ज्यादा निराश होता है, वो गिब्रान को डांटने लगता है, लेकिन इसी बीच बलवान उन लोगों को बताता है कि वो यहीं पर रहकर खेती किया करेंगे ताकि वो अपना गुजारा कर सके। ये बात सुनने के बाद गिब्रान और टीकू दोनों उस पर हंसने लगते हैं और इसी बीच हम उस गाड़ी में पड़े एक ट्रेजर को देखते हैं जो उस चोर के पास से उस गाड़ी में गिर गया था और वो एक मैजिक मिरर होता है जो एक इंसान की तरह ही हर तरह की एक्टिविटी कर रहा था और वो अपनी दूरबीन निकालकर उन तीनों भाइयों को स्कैन करने लगता है और सीन यहीं पर कट हो जाती है। इसके बाद हम उस किंगडम के किंग को देखते हैं जो सोने और चांदी से नहा रहा था और वहीं पर खड़ा हुआ उसका वजीर उससे कहता है कि वो जल्द से जल्द महल में चोरी करने वाले उस चोर को पकड़ने के लिए अपने किसी सिपाही बहादुर सिंह को काम पर लगा दिया है। इसके बाद हम प्रिंसेस को देखते हैं जो किंग के पास आकर उससे कुछ पैसे मांगती है ताकि वो अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद सके, लेकिन किंग उसे बताता है कि महल में बहुत चोरियां हो रही है जिस कारण महल का सारा खजाना खत्म होता जा रहा है और उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो अपनी बेटी के इन शौकों को पूरा कर सके। किंग उसे बताता है कि उसने पहले ही प्रिंसेस के लिए बहुत सारी चीजों के लिए बहुत पैसा दे दिया है, लेकिन प्रिंसेस अभी भी उससे पैसे मांगने की कोशिश करती है तो वो उसे साफ साफ मना कर देता है। इसके बाद किंग प्रिंसेस को अपना जीवन साथी चुनने के लिए कहता है, लेकिन प्रिंसेस किंग को बताती है कि वो अपना जीवन साथी उसी मैजिक मिरर की मदद से चूज करेगी जो उसकी माँ ने उसे मरते वक्त दिया था, लेकिन किंग उसे बताता है कि वो मिरर किसी काम का नहीं है और प्रिंसेस से कहता है कि उसके लिए एक अच्छा प्रिंस वही ढूंढेगा। इसके बाद हम प्रिंसेस को देखते हैं जो अपने रूम में जाकर अपने होने वाले राजकुमार को याद करने लगती है। इसी बीच हमें पता चलता है कि महल में होने वाली चोरियां कोई और नहीं प्रिंसेस ही करती थी और वही वो चोर है जो उस रात महल में घुस आई थी, जिसे पहरेदार ने पकड़ने की कोशिश की और इसी बीच उसके पास रखा हुआ वो खजाना मैजिकल मिरर ही था जो गिब्रान की गाड़ी में ही रह गया था। इस दौरान उसे याद आता है अपना वही मैजिकल मिरर, इसी कारण वो उसे इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन उसे पता चलता है कि शायद उसने वो मिरर कहीं पर गुमा दिया है। इस कारण से वो बहुत ज्यादा निराश हो जाती है क्योंकि वो जादुई मिरर उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। इसके बाद हमें बलवान को दिखाया जाता है जो उदास होकर अपने घर के बाहर बैठा हुआ था और वो अपने पालतू उल्लू से बातें कर रहा था। तभी उसे एक पेड़ के पास तेज रोशनी दिखाई देती है जिस कारण वो उस रोशनी के पास जाता है जहाँ उसे वही जादुई मिरर मिलता है जो बलवान से बातें करने लगता है। वो मिरर उसे पूछता है कि क्या उसे अपने जीवन साथी के बारे में जानना है क्योंकि वो उसके जीवन साथी के बारे में सब कुछ बताएगा। वो बताता है कि उसकी लाइफ में उसका जीवन साथी कौन होगा। बलवान भी उसकी बातों को सुनकर अपने जीवन साथी के बारे में जानना चाहता था, इस कारण से वो उसे अपने जीवन साथी को दिखाने को कह देता है। मिरर बलवान को उसकी होने वाली वाइफ दिखाता है और वो कोई और नहीं प्रिंसेस ही थी। वो प्रिंसेस को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो मिरर वहीं पर बंद होकर गिर जाती है। बलवान उस मिरर से उस प्रिंसेस का पता पूछता है। वो पूछता है कि आखिर उसे वो प्रिंसेस कहाँ मिलेगी, लेकिन वो मिरर उसे सिर्फ उसके शहर का ही नाम बताता है और उससे कहता है कि उसे अगर प्रिंसेस से शादी करनी है तो उसे उसके शहर में जाना होगा। इसके बाद हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो अपने गुम हो चुके मैजिकल मिरर को ढूंढने के लिए अपने कुछ सिपाहियों को चारों तरफ फैला देती है क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर वो जादुई मिरर चाहिए था। इसके बाद हमें किंग के वजीर को दिखाया जाता है जो किंग के साथ रहकर उसे ही धोखा दे रहा था। तभी वहाँ पर उसकी जादुई माँ जादूगरनी आती है जो अपने बेटे वजीर से कहती है कि उसने उससे वादा किया था कि वो जल्द ही किंग और उसकी बेटी प्रिंसेस को खत्म कर देगा, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। वजीर उसे बताता है कि वो उन्हें खत्म करने के लिए अपनी प्लानिंग कर रहा है, लेकिन जादूगरनी उसे बताती है कि शायद वजीर प्रिंसेस के प्यार में पड़ चुका है, इस कारण वो उसे खत्म नहीं कर रहा। लेकिन जादूगरनी किसी भी तरह से किंग से बदला लेना चाहती थी क्योंकि किंग ने उससे शादी करने से मना कर दिया था और जादूगरनी को लगता था कि शायद उससे शादी ना करने की इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है, इस कारण वो उन दोनों को खत्म करना चाहती थी। इसीलिए उसने अपने बेटे को इस किंगडम का वजीर बनाया, लेकिन वो वजीर अपनी माँ से वादा करता है कि वो किसी भी तरह से इस किंगडम का सारा खजाना लूट कर किंग को भिखारी बनाकर उसकी बेटी प्रिंसेस से शादी कर लेगा, इससे उसकी माँ का बदला भी पूरा हो जाएगा। ये बातें सुनने के बाद वजीर की माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद जादूगरनी जो एक जादुई औरत थी वो अपने पास रखे एक गैजेट और अपने जादू की मदद से महल के पास लगे हुए एक छोटे पेड़ को जादू से बहुत बड़ा कर देती है, जो अपने तने से उस पूरे महल को जकड़ लेता है। ये देखकर महल में रहने वाले लोग और किंग पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि ये पेड़ ऐसे बड़ा कैसे हो गया। इसके बाद किंग अपने सिपाही बहादुर सिंह को वहाँ बुलाता है और उसे ऑर्डर देता है कि किसी तरह वो सिपाही की मदद से इस पेड़ को इस महल से दूर करे और इसके बदले में वो उन लोगों को 2 सोने के सिक्के देगा। तभी हम जादूगरनी को देखते हैं जो अपने बेटे को बताती है कि इस पेड़ को सिर्फ 3 चीजें ही महल से अलग कर सकती है, जिनके बारे में सिर्फ और सिर्फ जादूगरनी को ही पता है, और वो ये 3 चीजें कभी भी किंग को नहीं देगी। वो मौका आने पर किंग के साथ एक डील करेगी और वो जो चाहेगी किंग वैसा ही करेगा। इसके बाद हम किंग के सिपाहियों को देखते हैं जो दिन रात काम करने के बाद भी उस पेड़ को काट नहीं पाते। इससे राजा बहुत ज्यादा निराश था क्योंकि वो किसी भी तरह उस पेड़ को वहाँ से हटाना चाहता था। इसी बीच वजीर उससे प्रिंसेस की शादी के बारे में जिक्र करता है, इस पर राजा उसे डांटते हुए चुप करा देता है, लेकिन अब उसके दिमाग में एक नया आइडिया आ चुका था, इस कारण से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि वो अपने इस आइडिया से एक तीर से 2 शिकार करेगा। इसके बाद हम टीकू और गिब्रान को देखते हैं जो अपनी गाड़ी से उस गांव को छोड़कर जा रहे थे, और इसी बीच हम दोनों की बात से समझ पाते हैं कि गिब्रान जब लकड़ी बेचकर घर आया था तो उससे किसी ने भी पैसे नहीं चुराए थे, और यहाँ हमें पता चलता है कि गिब्रान और टीकू दोनों ही अपने छोटे भाई बलवान के साथ धोखा कर रहे थे और वो सारे पैसे हथिया कर उसे उसी गाँव में अकेला छोड़कर दूसरे गाँव जा रहे थे। लेकिन तभी गाड़ी के पीछे हम बलवान को देखते हैं जो उसी गाड़ी में मौजूद था, जो अपने भाइयों की उन बातों को सुन नहीं पाता, इस कारण उसे उन दोनों की सच्चाई का पता भी नहीं चलता। इसके बाद हमें राजा के सिपाहियों को दिखाया जाता है जो गांव गांव जाकर लोगों को बता रहे थे और कह रहे थे कि किंगडम के महल में एक बहुत बड़ा पेड़ उग गया है और जो कोई भी इंसान उस पेड़ को काटेगा और बाहर लगे कुएं को खो देगा वही राजा की बेटी प्रिंसेस से शादी करेगा। इसके बाद वो प्रिंसेस की तस्वीर भी उन सभी लोगों को दिखाता है। हम वहाँ पर बलवान को भी देख पाते हैं जो वहीं पर मौजूद था। वो प्रिंसेस की फोटो देखकर बहुत खुश होता है और उसे पता चलता है कि उसके सपनों की राजकुमारी एक प्रिंसेस है, इस कारण वो डिसाइड करता है कि महल में उग रहे उस बड़े से पेड़ को वो काटेगा ताकि वो प्रिंसेस से शादी कर सके। ये जानने के बाद गिब्रान और टीकू दोनों उस पर हंसने लगते हैं क्योंकि उसे लगता है कि बलवान कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। इसके बाद हम प्रिंसेस को देखते हैं जो किंग से बहुत नाराज थी क्योंकि किंग ने जो भी उस बड़े से पेड़ को काटेगा उससे प्रिंसेस की शादी कराने का फैसला किया था, और इससे प्रिंसेस बहुत ज्यादा नाराज थी क्योंकि वो अपने पसंद से शादी करना चाहती थी। वो किंग को डांट कर वहाँ से चली जाती है। तभी हम जादूगरनी की परछाई को देखते हैं जो वहाँ आकर अपने बेटे वजीर को कहती है कि वो उन्हीं 3 चीजों को लेने जा रही है जिससे वो जादुई पेड़ गायब हो जाएगा और इस तरह से वजीर प्रिंसेस से शादी कर लेगा क्योंकि वो जादुई चीजें वजीर की माँ उसे लाकर दे देगी। इसके बाद हम उन तीनों भाइयों को देखते हैं जो अपनी गाड़ी पर आगे बढ़ रहे थे। तभी रास्ते में बलवान को जंगल से किसी तरह की आवाजें सुनाई देती है। वो उन आवाज को लेकर बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो जाता है और वो जानना चाहता था कि वो आवाज आ कहाँ से रही है। इस कारण उसका भाई गिब्रान उसे बताता है कि वो आवाजें पहाड़ी के पीछे बसे एक गाँव से आ रही है। गिब्रान और टीकू उसे बताते हैं कि उसे उन आवाजों को सुनने के लिए जंगल में जाना चाहिए और वो लोग उसे आगे आने वाले दूसरे गाँव में मिलेंगे। टीकू और गिब्रान अपने उस भाई बलवान को धोखा देकर वहाँ से भागना चाहते थे, इस कारण वो अपने भाई बलवान को वहीं छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इधर बलवान जंगल में आ चुका था जहाँ पर वो देखता है कि वहाँ मौजूद सारे पेड़ डांस कर रहे हैं और गाना गा रहे थे। वो उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और एंजॉय करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर रामलाल नाम की एक कुल्हाड़ी आती है जो बलवान को इस जंगल में देखकर उससे पूछती है कि वो कौन है। इस पर बलवान उसे बताता है कि वो एक आम इंसान है जो जंगल में आवाज सुनने के लिए आ गया था। रामलाल उससे कहता है कि उसे उसका जवाब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इस कारण उसे उसके साथ फाइट करनी होगी और अगर वो उसे फाइट में हरा देगा तो वो उसका दोस्त बन जाएगा। और इसी बीच उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। इस फाइट में बलवान उस कुल्हाड़ी मतलब रामलाल को बुरी तरह से हरा देता है। रामलाल उसकी चालाकी देखकर उससे दोस्ती करता है, जिसके बाद रामलाल बलवान से पूछता है कि वो कौन है और यहाँ कैसे आया, तो वो उसे बताता है कि उसे 2 काम करने हैं जो कि बिल्कुल ही नामुमकिन है। बलवान बताता है कि उसे एक बड़े से पेड़ को काटने के लिए एक लकड़हारे की जरूरत है और वो उसी की तलाश कर रहा है। तो रामलाल उससे पूछता है कि क्या वो उसमें उसकी मदद कर सकता है। वो उसे बताता है कि वो पेड़ जादुई पेड़ है जिसे हर कोई नहीं काट सकता, लेकिन रामलाल उसे बताता है कि वो ऐसा कर सकता है। रामलाल उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो बलवान उसे बताता है कि वो ये सब सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए कर रहा है। रामलाल इस काम में योगदान देना चाहता था और इसके लिए वो उसे और भी कई जादुई चीजों से मिलवाने ले जाता है। वो बलवान को बताता है कि अगर उसने उन जादुई चीजों को मना लिया तो वो उसका उस बचे हुए मतलब कुआं खोदने वाले काम में उसकी मदद करेंगे, जिसके बाद वो उसी तरफ आगे बढ़ जाते हैं। इधर हमें महल का सीन दिखाया जाता है और उस पेड़ को काटने के लिए दूर दूर से लोग आए थे, लेकिन कोई भी उस पेड़ को काट नहीं पाता। ये देखकर किंग बहुत ही ज्यादा नाराज था, लेकिन प्रिंसेस इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इधर रामलाल बलवान को लेकर एक गुफा में जाता है, जहां उनकी मुलाकात होती है श्यामलाल से, जो एक नुकीली कुल्हाड़ी थी, जिसकी कलाकारी देखने के बाद बलवान उसे कुआं खोदने को कहता है। इस पर श्यामलाल भी उसकी बातें मान लेता है, क्योंकि वो रामलाल का ही दोस्त था। इसके बाद तीनों लोग मिलकर एक झरने के पास जाते हैं, जो जादुई झरना था। झरना बलवान के पूरे पास्ट को देख पाता है। वो झरना अब जान चुका था कि बलवान प्रिंसेस से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसी कारण वो उस कुएं में वाटरफॉल बनाने के लिए उसे एक जादुई स्टोन देता है। इसके बाद हमें जादूगरनी को दिखाया जाता है, जो उन तीनों चीजों को ढूंढने के लिए जंगल में आई थी, लेकिन उसे पता चलता है कि कोई उससे पहले ही उन तीनों चीजों को लेकर यहाँ से चला गया है। इस कारण वो बहुत ज्यादा निराश होती है और उसे उस आदमी पर बहुत गुस्सा आता है जिसने उन तीनों चीजों को उससे पहले ले लिया। इधर हम गिब्रान और टीकू को देख पाते हैं, जो अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक गांव मिलता है जिसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया था। तभी वो लोग वहां पर एक मॉन्स्टर को नोटिस करते हैं, जिसे देखकर वो वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। इधर प्रिंसेस जब राजा के कमरे के पास आती है, तभी उसे वजीर की माँ देख लेती है और प्रिंसेस उसी चोर के भेष में महल से बाहर निकल जाती है। वजीर की माँ उसका पीछा करती है और दूसरी तरफ हम बलवान के दोनों भाइयों को देखते हैं, जो एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी वहाँ पर बलवान आता है, जो उनको बताता है कि वो उस जादुई पेड़ को काटने वाला है, क्योंकि अब उसके पास वो जादुई चीजें भी आ चुकी है जिसकी मदद से वो उस पेड़ को काट सकता है। उसकी बातें सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद सारे लोग हंसने लगते हैं। तभी हम प्रिंसेस को वहीं पर देखते हैं, जो उन लोगों के पास वही जादुई मिरर नोटिस करती है। और जब वो तीनों लोग अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं, तब प्रिंसेस चोर के भेष में उनके रूम में आती है ताकि वो उस जादुई मिरर को चुरा सके, लेकिन वहाँ पर वजीर की माँ भी होती है, जो अभी भी प्रिंसेस का पीछा कर रही थी। इसके बाद टीकू प्रिंसेस को देख लेता है और बलवान उसका पीछा करते हुए भागने लगता है, लेकिन किसी तरह से प्रिंसेस उससे बचते हुए भाग रही थी। तभी जादूगरनी भी उनके पीछे लग जाती है, जो नोटिस करती है कि बलवान के पास ही वो तीनों जादुई चीजें हैं। इस कारण वो उस पर हमला कर देती है और किसी तरह से उससे वो तीनों चीजें छीनने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंसेस आ जाती है, जो उसे बचाकर वहाँ से ले जाती है। इसके बाद बलवान उससे पूछता है कि आखिर वो उनके पास क्यों आई थी, तो इस पर वो बताती है कि वो अपना खोया हुआ मिरर उनके पास से लेने आई थी। इसके बाद उस मैजिकल मिरर के द्वारा बलवान को पता चलता है कि उसके दोनों भाइयों ने उसे धोखा दिया था। इसके बाद प्रिंसेस बलवान से पूछती है कि आखिर वो जादुई औरत कौन थी जो उस पर हमला कर रही थी, पर बलवान उसे नहीं जानता था। वो बताता है कि वो औरत चाहती है कि वो उस पेड़ को काटने वाले कॉम्पिटिशन में भाग ना ले, क्योंकि उसे लगता है कि वो उस पेड़ को काट सकता है। तो प्रिंसेस उससे पूछती है कि आखिर वो पेड़ को क्यों काटना चाहता है, तो बलवान उसे बताता है कि मैजिकल मिरर ने उसे अपनी होने वाली वाइफ का चेहरा दिखाया था और वो कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस ही थी। उसकी बातें सुनने के बाद प्रिंसेस हंसने लगती है और कहती है कि वो प्रिंसेस से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रिंसेस तुमसे कभी प्यार नहीं करेगी, लेकिन वो उसे बताता है कि वो किसी भी तरह से प्रिंसेस को इम्प्रेस करके उससे शादी कर लेगा और उसके दिल में अपने लिए जगह बनाएगा। इसके बाद हमें महल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अभी भी कई लोग उस पेड़ को काटने के लिए लगे हुए थे, लेकिन कोई भी उस पेड़ को काट नहीं पाता। तभी हम राजा को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा दुखी था, और वो वहीं पर खड़ी जनता से पूछता है कि क्या कोई भी ऐसा बलवान नहीं है जो उस पेड़ को काट सके। तभी हम वहाँ पर बलवान को देखते हैं, जो राजा के उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि वो उस पेड़ को काट सकता है। उसकी बातें सुनकर वहाँ मौजूद सारी जनता तेजी से हंसने लगती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है, क्योंकि उनको लगता है कि इतना छोटा सा इंसान कैसे उस बड़े से पेड़ को काट सकता है, जबकि बड़े बड़े सूरमा उस पेड़ को काट नहीं पाए। राजा भी बलवान को कोई मजाकिया ही लगता है, इस कारण वो अपने सिपाहियों से बलवान को वहाँ से भगा देने को कहता है, लेकिन प्रिंसेस उसे रोकती है और कहती है कि राजा ने हर एक को उस पेड़ को काटने का मौका दिया, तो क्यों ना बलवान को भी एक मौका दिया जाए। इस कारण से राजा उसे एक मौका देता और तभी वो अपनी रामलाल कुल्हाड़ी से उस पेड़ को एक ही झटके में गायब कर देता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद बलवान श्यामलाल कुल्हाड़ी की मदद से वहाँ मौजूद कुएं के पास एक वाटरफॉल बना देता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था और वो जादुई झरने की मदद से वाटरफॉल में पानी डाल देता है, जिसके बाद राजा बलवान से बहुत खुश था। वो बताता है कि उसकी शादी प्रिंसेस से अगले हफ्ते की जाएगी। इधर वो वजीर बलवान के दोनों भाइयों को लेकर अपनी जादूगरनी माँ के पास आता है, जहाँ वो अपनी माँ को बताता है कि बलवान के ये दोनों भाई पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जिस पर जादूगरनी उन दोनों को एक काम देती है और उनके हाथों में एक पोटली देती है और कहती है कि इसके अंदर वही 3 जादुई चीजें हैं जो नकली है और इस पोटली को उस असली पोटली से बदलना है जो बलवान के पास रखी है। इसके बाद वजीर अपनी माँ से कहता है कि वो प्रिंसेस की शादी बलवान से किस तरह से तोड़ेंगे, तो इस पर जादूगरनी उसे बताती है कि वो लोग शहर में घूम रहे एक मॉन्स्टर से बलवान का सामना कराएंगे ताकि वो मॉन्स्टर बलवान को खत्म कर दे और वजीर की प्रिंसेस से शादी हो जाए। वजीर उससे पूछता है कि बलवान उस मॉन्स्टर के सामने कैसे आएगा, तो उसकी माँ उसे बताती है कि इन सब चीजों के बारे में वो पहले ही सोच रखी है। इसके बाद हम प्रिंसेस को देखते हैं जो अपने रूम में मौजूद थी। तभी वजीर की माँ किसी तरह चालाकी से उसे एक जादुई फल खिला देती है और इधर हम बलवान के दोनों भाइयों को देखते हैं जो बलवान के पास जाकर उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उसे प्रिंसेस ने उसके रूम में बुलाया है। वो किसी तरह से बलवान के पास रखी हुई उन 3 जादुई चीजों को नकली चीजों से बदलकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद बलवान प्रिंसेस के पास जाता है जहाँ प्रिंसेस बिल्कुल ही अलग दिख रही थी क्योंकि उसके ऊपर उस जादुई फल खाने का असर हो रहा था। वो बलवान से कहती है कि वो उससे कितना प्यार करता है, तो बलवान उसे बताता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन प्रिंसेस उसे अपने प्यार को साबित करने को कहती है और उसके लिए उसे एक बड़े से मॉन्स्टर से लड़ना होगा। इस पर बलवान तुरंत ही तैयार हो जाता है और वो कहता है कि वो प्रिंसेस के लिए कुछ भी कर सकता है और वो उससे कहता है कि वो उस मॉन्स्टर की लाश उसे शादी में गिफ्ट करेगा। इधर हम उस जादूगरनी को देखते हैं जो महल का सारा खजाना लूटने के लिए महल में सुराख कर रही थी और इधर बलवान भी उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए निकल चुका था, जहाँ रास्ते में उसकी मुलाकात उसी मॉन्स्टर से होती है, जहाँ बलवान उस मॉन्स्टर को अपनी बातों से कंट्रोल करता है। इस बीच मॉन्स्टर अपना नाम सिम्बा बताता है। वो बताता है कि वो इन जंगलों में अकेला रहा करता है और उसका कोई भी दोस्त नहीं है। इसके बाद उन दोनों के बीच में एक कंपटीशन होता है और ये कंपटीशन खाने का कंपटीशन था। यहाँ सिम्बा बलवान को बताता है कि अगर उसने इस कंपटीशन में उसे हरा दिया तो वो उसका पक्का दोस्त बन जाएगा जो उसके लिए कुछ भी करेगा। बलवान उसे उस कंपटीशन में हरा देता है, जिसके बाद बलवान प्रिंसेस के वादे को पूरा करने के लिए सिम्बा को लेकर महल की तरफ जाता है, जहां उसे देखकर सारे लोग हैरान और डरे हुए थे। इसके बाद सिम्बा सभी लोगों को बताता है कि वो बलवान का दोस्त है। तभी हम वहां पर प्रिंसेस को देख पाते हैं जो चोर का वेश बनाकर वहां आई थी। इस बीच बलवान राजा को कहता है कि वो उसकी बेटी प्रिंसेस से शादी नहीं करेगा क्योंकि उसने इतने बड़े मॉन्स्टर से उसे भिड़ा दिया था और अब वो उससे प्यार भी नहीं करता क्योंकि अब वो उस चोरनी से प्यार करने लगा था जो उसके पास मौजूद थी। प्रिंसेस चोरनी जो बलवान को बताती है कि प्रिंसेस ने ये सब वजीर की माँ के जादू में आकर उससे कहा था और वो सच में ही सिम्बा को यहाँ पर लेकर आ गया। इसके बाद प्रिंसेस सभी को बताती है कि उसके फादर ने बहुत सारा सोना उन लोगों से बचा कर रखा है। बलवान को उस चोर यानी प्रिंसेस की बातों को सुनकर उस पर शक होता है और वो सोचता है कि आखिर इस चोर को इस बारे में कैसे मालूम, तो वो उसके नकाब को हटाता है तो देखता है कि वो चोर कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस ही है। सभी लोग ये देखकर हैरान थे, सभी को पता चल चुका था कि वो चोर प्रिंसेस ही है। इसके बाद सिम्बा वहीं पर नीचे बैठ जाता है। तभी वहाँ की जमीन धंसने लगती है और पानी की मदद से उस गांव के सारे लोग के पास आसमान से बहुत सारा सोना गिरने लगता है। इसे देखकर राजा बुरी तरह से निराश होता है। वो सभी को बताता है कि ये उसी का सोना और इस पर सिर्फ उसका हक है। तभी वहाँ पर वजीर की जादुई माँ आ जाती है जो अपनी छड़ी से राजा को एक छोटा बच्चा बना देती है। वो अपने जादू से किसी तरह से प्रिंसेस और बलवान को अपनी जादुई मिरर में कैद कर लेती है और सिम्बा को भी वहीं पर बांध देती है। वो जादूगरनी उन तीनों लोगों को लेकर एक जादुई दुनिया में पहुंच जाती है, जहां वो उन लोगों पर बहुत ज्यादा अटैक करती है और उन्हें किसी तरह से खत्म करने की सोचती है और वहां पर हम बहुत सारा लावा देख पाते हैं जहां जादूगरनी उन्हें खत्म करना चाहती थी। इसके बाद वहां पर खड़ी हुई पब्लिक सिम्बा को बताती है कि अगर वो उस कांच को तोड़ दे जिसमें प्रिंसेस और बलवान कैद है तो वो जादूगरनी के उस जादू को तोड़ देगा। सिम्बा भी ऐसा ही करता है और वो पब्लिक के कहने पर वहाँ मौजूद कांच को तोड़ देता है, जिससे कि उस जादूगरनी का जादू खत्म हो जाता है और जादू खत्म होने के बाद जादूगरनी भी धरती के अंदर समाने लगती है। लेकिन उसका बेटा वजीर उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो भी उसके साथ ही उस जगह में समा जाता है। इसके बाद बलवान और प्रिंसेस की शादी कर दी जाती है और सभी लोग बहुत खुश थे और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।